दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को इस मौसम के सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार यहां के 12 में से 8 मौसम केंद्रों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौसम केंद्र में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सफदरजंग वेधशाला में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह मौसम का अब तक का उच्चतम तापमान है। इससे पहले 11 अप्रैल को भी अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 17% से 31% के बीच रहा। गौरतलब है कि सफदरजंग वेधशाला को दिल्ली का आधिकारिक मापक माना जाता है। दिल्ली में 7 दिन से लू का प्रकोप जारी है। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ, हवा की स्थिति और इस क्षेत्र में बादल छाए रहने के कारण आगे लू का प्रकोप कम होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में 22 अप्रैल तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने और 20 अप्रैल को 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 और 22 अप्रैल के आसपास गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसके चलते गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं बात की जाए अगर गुरुग्राम के मौसम की, तो गुरुग्राम में आज मौसम ठीक ठाक रहेगा, आंशिक बादल छाए रहेंगे और गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली का AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है और 319 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा का AQI 326 रहा, जबकि गुरुग्राम में 317 रिकॉर्ड हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।